नमस्ते 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 मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्ते मेरे नमस्ते प्यारे देशवासियों। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। आप सभी देशवासियों की तपस्या आप सभी देशवासियों की तपस्या आपके त्याग की वजह से आपके त्याग की वजह से भारत अब कोरोना तक से होने वाले नुकसान कोरोना से होने वाले नुकसान को काफी हद तक टालने में सफल रहा है टालने में सफल रहा है। आप लोगों ने कष्ट सहकर भी अपने देश को बचाया है अपने देश को बचाया है हमारे इस भारत वर्ष को बचाया हमारे इस भारत वर्ष को बचाया है। मैं जानता हूं आपको कितनी दिक्कतें आई आपको कितनी दिक्कतें आई किसी को खाने की परेशानी किसी को खाने की परेशानी किसी को आने जाने की परेशानी किसी को आने जाने की परेशानी कोई घर परिवार से दूर है घर परिवार से दूर है लेकिन लेकिन आप देश की खातिर एक अनुशासित सिपाही की तरह अनुशासित सिपाही की तरह अपने कर्तव्य निभा रहे हैं अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। मैं आप सबको आदरपूर्वक नमन करता हूं आदरपूर्वक नमन करता हमारे संविधान में जिस वी द पीपल ऑफ इंडिया वी द पीपल ऑफ इंडिया की शक्ति की बात कही गई है यही तो है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर हम भारत के लोगों की तरफ से अपनी सामूहिक शक्ति का ये प्रदर्शन ये संकल्प बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है बाबा साहब का जीवन हमें हर चुनौती को अपनी संकल्प शक्ति और परिश्रम के बलबूते पर पार करने की निरंतर प्रेरणा देता मैं सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहब को नमन करता हूं साथियों ये देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग त्योहारों का भी समय है और वैसे भी भारत तो उत्सवों से भरा रहता है उत्सवों के बीच खिलखिलाता रहता बैसाखी पोहेला बैशाख पुथांडू बोहाग बिहू विशु के साथ अनेक राज्यों में नए वर्ष की शुरुआत हुई लॉकडाउन के इन बंधनों के बीच मैं देश के लोग जिस तरह नियमों का पालन कर रहे हैं जितने संयम से अपने घरों में रहकर त्योहार बड़ी सादगीपूर्ण तरीके से मना रहे ये सारी बातें बहुत ही प्रेरक है बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं नए वर्ष पर आपके परिवारजन के उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ साथियों आज पूरे विश्व कोरोना वैश्विक महामारी की जो स्थिति हम सब उसे भलीभांति परिचित है। अन्य देशों के मुकाबले
एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। कोरोना के मरीज 100 तक पहुंचे उससे पहले ही भारत ने विदेश से आए हर यात्री के लिए 14 दिन का आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया अनेक जगहों पर मॉल हो, थिएटर हो, क्लब हो, जिम हो, बंद करिए जा चुके थे। साथियों, जब हमारे यहाँ कोरोना के सिर्फ 550 केस थे, तभी भारत ने 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया था। भारत ने समस्या बढ़ने का इंतजार नहीं किया, बल्कि जैसे ही समस्या दिखी उसे तेजी से फैसले लेकर उसी समय रोकने का भरसक प्रयास किया। साथियों, वैसे एक ऐसा संकट है जिसमें किसी भी देश के साथ तुलना करना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सच्चाइयों को हम नकार नहीं सकते ये भी एक सच्चाई है कि अगर दुनिया के बड़े बड़े सामर्थ्यवान देशों में कोरोना से जुड़े आंकड़े देखें तो उनकी तुलना में आज भारत बहुत संभली हुई स्थिति में है। महीना डेढ़ महीना पहले कई देश कोरोना संक्रमण के मामले में एक प्रकार से भारत के बराबर खड़े थे। आज उन देशों में भारत की तुलना में कोरोना के केसेस 25 से 30 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। उन देशों में हजारों लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है भारत ने होलिस्टिक अप्रोच न अपनाई होती इंटीग्रेटेड अप्रोच न अपनाई होती समय पर तेज फैसले न लिए होते आज भारत की स्थिति क्या होती इसकी कल्पना करते ही रुए खड़े हो जाते हैं लेकिन बीते दिनों के अनुभवों से ये साफ है कि हमने जो रास्ता चुना है आज की स्थिति में वही हमारे लिए सही है सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है। और लॉकडाउन का अगर सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये मिला है महंगा जरूर लगता है, अगर बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी दृष्टि से देखें, लेकिन तो ये भारतवासियों की जिंदगी के आगे जरूर लगता है इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। लेकिन सीमित संसाधनों के बीच जिंदगी के आगे भारत इसकी जिस मार्ग पर चला है उस मार्ग की चर्चा संसाधनों के बीच आज दुनिया भर में होना बहुत स्वाभाविक है। जिस मार्ग पर चला देश की राज्य सरकारों ने भी उस मार्ग की चर्चा स्थानीय स्वराज संस्थाओं की इकाइयों ने भी बहुत स्वाभाविक इसमें बहुत जिम्मेदारी के साथ काम किया है। 24 घंटे स्थानीय हर किसी ने स्वराज संस्थाओं की अपना जिम्मा संभालने के लिए इसमें प्रयास किया है बहुत और हालत को संभाला भी है।
लेकिन साथियों इन सब प्रयासों के बीच अपना जीमा संभालने कोरोना जिस तरह फैल रहा हालत को संभाला भी है उसने लेकिन साथियों विश्व भर में इन सब प्रयास हेल्थ एक्सपर्ट्स को और सरकारों को जिस तरह और ज्यादा सतर्क कर दिया है उसने भारत में भी विश्व भर में कोरोना के खिलाफ लड़ाई और सरकारों को अब आगे कैसे बढ़े ज्यादा सतर्क कर दिया है हम विजयी कैसे हो हमारे यहां नुकसान कम से कम कैसे हो लोगों की दिक्कतें कम कैसे करें इन बातों को लेकर राज्यों के साथ हमारे निरंतर चर्चाएं की कैसे हो और इन सभी चर्चाओं में से एक बात उभर करके आती है इन बातों को लेकर हर किसी का यही सुझाव आता है निरंतर नागरिकों की तरफ से भी यही सुझाव आता है और इन कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए एक बात उभर करके आती है कई राज्य तो पहले से ही हर किसी का यही सुझाव आता है लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके यही सुझाव आता है साथियों कि लॉकडाउन को बढ़ाया सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए कई राज्य तो पहले से ही ये तय किया गया है लॉकडाउन को बढ़ाने कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक सारे सुझावों और बढ़ाना पड़ेगा यानी तय किया गया है 3 मई तक भारत में लॉकडाउन हम सभी को हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा यानी इस दौरान हमें 3 मई तक अनुशासन का उसी तरह पालन करना है हर देशवासी जैसे हम करते आ रहे हैं लॉकडाउन में ही रहना होगा मेरी इस दौरान हमें सभी देशवासियों से का उसी ये प्रार्थना है, कि अब हम करते आ रहे कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर सभी नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है कि अब स्थानीय स्तर पर कोरोना को हमें अब एक भी मरीज बढ़ता है नए तो ये हमारे लिए नहीं देना चिंता का विषय होना चाहिए स्थानीय स्तर पर कहीं पर भी अब कोरोना से एक भी मरीज की दुखद मृत्यु होती है हमारे लिए तो हमारी चिंता का विषय और बढ़नी चाहिए कहीं पर भी और इसलिए हमें कोरोना हॉटस्पॉट्स को भी मरीज की दुखद मृत्यु होती है इंगित करके चिंता और बढ़नी चाहिए पहले से भी ज्यादा इसलिए हमें बहुत ज्यादा को सतर्कता बरतनी ही होगी इंगित करके जिन स्थानों के हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका है बहुत ज्यादा उस पर भी हमें सतर्कता बरतनी कड़ी नजर रखनी होगी कठोर कदम उठाने होंगे हॉटस्पॉट नए हॉटस्पॉट का बनना उस पर हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को कठोर और चुनौती देगा नए संकट पैदा करेगा का बनना इसलिए हमारे अगले एक सप्ताह में और हमारी तपस्या को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता संकट पैदा करेगा और ज्यादा बढ़ाई जाएगी अगले एक सप्ताह में 20 अप्रैल तक कोरोना के खिलाफ हर कस्बे हर थाने हर जिले और हर राज्य को जाएगी बड़ी बारीकी से परखा जाएगा 20 अप्रैल तक वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है हर जिले उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा जो क्षेत्र कोरोना से इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे बचाया है जो इसका मूल्यांकन अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे
इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, अपने यहां वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की जिनके अनुमति में बदलने की छूटछाट भी कम होगी दी जा सकती है वहां पर। लेकिन याद रखिए, 20 अप्रैल से ये अनुमति कुछ जरूरी सशर्त होगी। अनुमति बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे, लेकिन याद रखिए, लॉकडाउन के नियम ये अनुमति अगर टूटते हैं सशर्त होगी। बाहर निकलने और कोरोना का पैर बहुत सख्त हमारे इलाके में पड़ता है, लॉकडाउन तो के सारी अनुमति तुरंत टूटते हैं वापिस ले ली जाएगी। और इसलिए और कोरोना का पैर न हमारे खुद कोई लापरवाही करनी है तो और न ही किसी और को लापरवाही करने देना है। और इसलिए न मेरे देशवासियों लापरवाही करनी है और न कल इस बारे में लाभ सरकार की तरफ से एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी। मेरे देशवासियों साथियों, 20 अप्रैल से सरकार चिन्हित क्षेत्रों में एक इस सीमित छूट का प्रावधान हमारे गरीब भाई बहनों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए किया गया है। चिन्हित क्षेत्रों में जो रोज कमाते हैं, छूट का प्रावधान रोज की कमाई से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, हमारे गरीब भाई बहनों की आजीविका, वही मेरा एक बृहत परिवार है। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रोज की कमाई से अपनी जरूरतें पूरी करते इनके जीवन में आई मुश्किल को वही मेरा कम करना परिवार है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से एक सरकार ने इनके जीवन उनकी में मदद करने का हर संभव प्रयास किया है। प्रधानमंत्री हम नई गाइडलाइंस बनाते समय भी उनके हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। उनकी मदद इस समय का हर संभव रबी फसल की कटाई का काम भी जारी है। हम नई गाइडलाइंस बनाते केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर हितों का पूरा ध्यान प्रयास कर रही हैं कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो। फसल की कटाई का काम साथियों देश में केंद्र सरकार और दवा से लेकर के राशन तक प्रयास कर रही है, पर्याप्त भंडार है। किसानों को कम से सप्लाई चेन की बाधाएं लगातार दूर की जा रही है। दवा से लेकर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी पर्याप्त भंडार, हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सप्लाई चेन की जहां बाधाएं लगातार दूर की जा रही है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जहां ये कहता है कि कोरोना के 10,000 मरीज होने पर 1,500-1,600 बेड्स की जरूरत होती है, ये कहता है भारत में आज हम कि कोरोना के 1,00,000 से अधिक बेड्स की व्यवस्था कर चुके हैं। इतना ही नहीं, 1,500-1,600 बेड्स, 600 से भी अधिक ऐसे अस्पताल हैं भारत में जो सिर्फ कोविड के इलाज के लिए काम कर रहे हैं। इन सुविधाओं को और तेजी से बढ़ाया जा रहा है। साथियों, आज भारत के पास भले सीमित संसाधन हो इन सुविधाओं को, लेकिन तेजी से बढ़ाया जा, मेरा भारत के युवा वैज्ञानिकों से विशेष आग्रह है कि विश्व कल्याण के लिए, संसाधन हो मानव कल्याण के लिए, लेकिन मेरे नौजवान साथियों आप आगे आए, युवा वैज्ञानिकों से कोरोना की वैक्सीन बनाने का कि विश्व कल्याण, मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के वैज्ञानिक बेड़ा उठाएं। मेरे नौजवान साथियों आप आगे आए, हम धैर्य बनाकर रखेंगे
कोरोना के नियमों का पालन करेंगे मेरे देश तो कोरोना जैसी महामारी को भी परास्त करके ही रहेंगे। हम इसी विश्वास के साथ मेरी बात समाप्त करने से पहले तो कोरोना मैं आपका साथ मांग रहा हूं, परास्त करके सात बातों में आपका साथ इसी विश्वास के साथ। पहली बात, मेरी बात समाप्त करने अपने से पहले, घर के बुजुर्गों का मैं आपका साथ विशेष ध्यान रखे, विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो अपने घर के उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है, विशेषकर उन्हें ऐसे कोरोना से जिन्हें बहुत बचाकर रखना है। दूसरी बात, हमें लॉकडाउन केयर करनी है और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का कोरोना से पूरी तरह पालन करें, बचाकर रखना है। घर में बने दूसरी बात फेस कवर लॉकडाउन या मास्क का सोशल डिस्टेंस और वो भी घर में बने हुए उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। घर तीसरी बात अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मास्क का आयुष द्वारा बने हुए जो निर्देश दिए गए हैं अनिवार्य रूप से उपयोग उसका अगर हम पालन करें। तीसरी बात गर्म पानी है काढ़ा है इम्यूनिटी बढ़ाने अंतर सेवन करें। आयुष मंत्रालय चौथी बात जो निर्देश कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए गर्म पानी आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप का निरंतर सेवन करें। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप कोरोना जरूर डाउनलोड करें, रोकने में मदद करें, दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। आरोग्य सेतु पांचवी बात ऐप जितना हो सके डाउनलोड करें, उतने दूसरों को भी गरीब परिवार की ऐप को देखरेख करें, के लिए प्रेरित करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें। छठी बात हो सके आप उतने अपने व्यवसाय गरीब परिवार अपने उद्योग में देखरेख करें, अपने साथ काम करें लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकाले। अपने व्यवसाय सातवीं बात अपने उद्योग में देश के कोरोना योद्धाओं काम करें लोगों के प्रति हमारे डॉक्टर संवेदना रखे नर्सेस किसी को नौकरी सफाई कर्मी पुलिस कर्मी सातवीं ऐसे सभी लोगों का देश के कोरोना सम्मान करें, आदर पूर्वक हमारे डॉक्टर उनका गौरव करें, नर्सेस साथियों सफाई कर्मी पुलिस इन सात बातों में ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक ये सप्तपदी उनका गौरव करें, विजय प्राप्त करने का मार्ग है। इन सात बातों में आप विजय होने का हमारे लिए ये सप्तपदी निष्ठापूर्वक करने वाला ये काम विजय प्राप्त करने का मार्ग है। पूरी निष्ठा के साथ 3 मई तक लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, जहां है वहां रहे, सुरक्षित रहे। पूरी निष्ठा के साथ वयम राष्ट्रे जागरयाम, हम सभी नियमों का पालन करें, राष्ट्र को जीवंत और जागृत बनाए रखेंगे। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपको सभी आपके परिवार को राष्ट्र को जीवन उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं करता हूं। इसी कामना बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। है वहां रहे आप सुरक्षित रहे उत्तम स्वास्थ्य की मंगल जाग रहे हैं बहुत बहुत हम सभी राष्ट्र को जीवंत और जागृत बनाए रखेंगे। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हम सभी राष्ट्र को जीवंत और जागृत बनाए रखेंगे। इसी कामना के साथ ऊपर सरकार की मोहर लॉकडाउन बढ़ाने से ही कोरोना कंट्रोल, कोरोना को हराने के लिए अब है आपकी बारी। एक बार फिर लॉकडाउन को सफल बनाना आपकी जिम्मेदारी।
एबीपी न्यूज की मुहिम पर सरकार ने मोहर लगाई है। हम पहले दिन से कह रहे थे 21 दिन है कम, लॉकडाउन बढ़ाने में है दम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कह दिया गया कि जो रास्ता चुना है देश ने वही रास्ता सही है और लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। सुनिए जरा एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को। नमस्ते नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना वैश्विक महामारी